आधी आबादी का दर्जा मिल चुका है। बात कंधे से कंधा मिलाकर चलने की होती है, मगर आज भी जब एजेंसियों के आंकड़े सामने आते हैं तो उनमें महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध आपको झकझोर कर रख देते हैं। मगर राजस्थान के डूंगरपुर में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डूंगरपुर पुलिस के दक्ष प्रशिक्षक स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देते हुए उन्हें इस प्रकार की घटनाओं से लड़ने के लिए तैयार कर रही है। वहीं उन्हें महिला अधिकारों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अक्सर अधिकारियों और सरकार को ये कहते हुए सुना होगा कि महिलाओं को सशक्त बनना है, आत्मनिर्भर बनना है। डूंगरपुर जिले के पुलिस अधिकारियों ने ये ठान लिया है और ऑपरेशन आत्मरक्षा के अंतर्गत बेटियों को इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है। डूंगरपुर SP राशि डोगरा डूडी की पहल और यूनिसेफ के सहयोग से महिला पुलिसकर्मी स्कूल कॉलेज में जाकर लड़कियों को आत्मरक्षा के गुण सिखा रही है। महिला पुलिसकर्मी ऑपरेशन आत्मरक्षा के तहत बेटियों को मार्शल आर्ट और कराटे के दाव पेच सिखाते हुए मजबूत बनाने और बेटियों में हौसला भरने का काम कर रही है। देखिए, मैं यहाँ डूंगरपुर में एक पहली महिला SP हूँ और इस बात का एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों में जाता है, वो लोग मुझसे मिलने भी आते हैं। तो मैंने सोचा कि आजकल जो महिलाओं और कमज़ोर वर्ग के प्रति जो अपराध बढ़ रहा है, उसमें पुलिस एक पॉजिटिव पहल क्या कर सकती है, एक सकारात्मक अप्रोच के साथ हमें आगे बढ़ना था। हमारे पास 5-6 कॉन्स्टेबल्स हैं जो सेल्फ डिफेंस और कॉम्बैट में ट्रेंड हैं और ये पहले से चल रही है ये मुहिम। ये मेरे स्कूल की और कॉलेज की महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टारगेट्स होते हैं कि हम इनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दे सकें। इसमें हम इनको दिखाते हैं कि किस तरह अगर एक कमज़ोर महिला भी है तो वो कैसे एक भारी आदमी को गिरा सकती है, उठा सकती है। ये क्या, जब आप आपके सामने होता हुआ देखते हो तो आपके आप में एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अगर मेरे को भी कभी भविष्य में मेरे साथ ऐसी कोई अनहोनी हुई तो मैं लड़ सकती हूँ। दूसरा, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनके खिलाफ हम उनके बारे में हम इनको जानकारी देते हैं कि इनकी क्या राइट्स हैं, ये किस तरह से कानून को अपने फायदे के लिए मतलब प्रयोग में ले सकते हैं और इनके साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो कैसे ये पुलिस को अप्रोच कर सकते हैं। ट्रेनिंग देने से पहले महिला पुलिस कर्मियों ने लड़कियों के साथ दोस्ती भी बढ़ाई ताकि वे आसानी से सब कुछ उन्हें सिखा सकें। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा लड़कियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं और उनको मार्गदर्शन प्रदान भी किया जाता है। आत्मरक्षा के गुण सिखाने के साथ ही महिला पुलिस कर्मियों द्वारा बेटियों को उनके लिए बने कानून और अधिकारों की जानकारी देते हुए जागरूक भी किया जाता है। डूंगरपुर पुलिस के ऑपरेशन आत्मरक्षा अभियान के तहत स्कूलों और कॉलेजों में बेटियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण निरंतर चल रहा है। अभियान के तहत सभी जगहों में आत्मरक्षा के गुण सिखाने के साथ साथ लड़कियों को महिला हेल्पलाइन और महिलाओं से जुड़े अधिकारों और कानूनों की भी जानकारी दी जा रही है। बहरहाल, वर्तमान में देश में बेटियों पर हुई इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस का प्रयास काबिले तारीफ है और उम्मीद है कि इस प्रकार का प्रशिक्षण लेकर भविष्य में बेटियों का हौसला बढ़ेगा और बेटियां मजबूत बनेंगी।